तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स की जो अपने साथ लेकर आए थे प्रोजेक्टर, मतलब उनके अंदर इनबिल्ट प्रोजेक्टर लगा हुआ था जिसकी मदद से हम बाहर वीडियो गेम वगैरह खेल सकते हैं, मूवीज वगैरह देख सकते हैं, फोटोज जो है वो बड़ी करके देख सकते थे। तो मतलब ये है कि मोबाइल में काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिल रहे थे जिनको आप मल्टीप्लेक्स मोबाइल भी कह सकते हैं। मल्टीप्लेक्स का मतलब है कि एक बड़ा सा स्क्रीन आपको मिल जाता है, तो आपको पिक्चर हॉल जाने की आवश्यकता कहाँ होती है, इसके अंदर जो है सारी सुविधाएं थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके सामने जो बेल आइकन है उसे दबाकर उसे भी ओके कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने लिया है सैमसंग गैलेक्सी बीम जो मोबाइल है, जो 2014 में लॉन्च हुआ था। काफ़ी अच्छी इसकी डिस्प्ले थी, फुल टच स्क्रीन के अंदर ही मोबाइल था और इसके ठीक ऊपर लगा हुआ था एक प्रोजेक्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये प्रोजेक्टर जो था वो काफ़ी हाई क्वालिटी का प्रोजेक्टर था शुरुआत के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसके अंदर जो है इनबिल्ट प्रोजेक्टर ऐसे फिट किया गया था और ज़्यादातर अगर हम दूसरे मोबाइल्स की तुलना इसके साथ करें तो उसमें ऐसा पता नहीं चलता था कि इसमें प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। इस प्रकार से जो है प्रोजेक्टर लगाया गया था, मतलब कंपनी ने काफ़ी होशियारी से इस पर काम किया था। बड़ी सी स्क्रीन के साथ आपको टच स्क्रीन यहाँ पर मिल जाती थी और 16 मेगापिक्सल तक आपका इसमें कार्ड हम डाल सकते थे और काफ़ी जो है अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इसकी दिखाई जा रही है। इसमें 1 GHz का ARM Cortex A8 प्रोसेसर लगा हुआ था और 640x360 पिक्सल की डिस्प्ले इसके ऊपर थी, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें एंड्रॉयड 2.3 जो फिंगरप्रिंट था वो रन करता था और काफ़ी सारी जो है स्पेसिफिकेशन इसकी है तो मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। और उसकी कीमत थी उस समय वो थी 35,000 रुपये के आसपास। और अभी तो ये मोबाइल जो है मिल सकता है आपको क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ज़्यादा जो है इसका चलन भी नहीं था तो आपने शायद ना देखा हो। उसके बाद मैंने लिस्ट में लिया एक इंटेक्स का है V8810V.show नाम से मोबाइल मार्केट में आया था और इसके अंदर भी जो है काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 3.2 इंच की इसमें TFT डिस्प्ले लगी हुई थी, टच स्क्रीन के साथ और डुअल सिम सपोर्ट था। 2 माइक्रो SD कार्ड आप इसके अंदर डाल सकते थे और 16 GB तक इसको एक्सपेंड किया जा सकता था माइक्रो SD के द्वारा। और एक इसमें लगा हुआ था प्रोजेक्टर है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं और 36 इंच की लगभग ये स्क्रीन बाहर बना देता था, मतलब प्रोजेक्ट कर देता था 36 इंच कि टीवी के साइज की स्क्रीन ये बार बना देता था। और इसमें जो फेसिंग कैमरा था वो था 0.3 मेगापिक्सल का और इसमें जो रियर कैमरा था वो था 3.0 और इसमें जो रियर कैमरा था वो था 2.0 मेगापिक्सल का। और काफ़ी अच्छी जो है इसकी भी स्पेसिफिकेशन रही है और इसकी कीमत लगभग थी 9,000 के आसपास। और तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अगले मोबाइल की जो कि था स्पाइस M9000 पॉपकॉर्न नाम से आया था और इसकी तो मॉडल नंबर है वो M9000 और इतनी ही इसकी कीमत थी। और माइक्रोमैक्स जो A40 है उससे काफ़ी बेटर प्रोजेक्टर ये आपको दे देता था। माइक्रोमैक्स A40 है उसकी भी हम आपको बात बताएंगे और जो रिजोल्यूशन है स्क्रीन के वो भी काफ़ी अच्छे थे और इसका प्रोजेक्ट है वो कम से कम भी 40 इंच का दीवार के ऊपर ये बना देता था। और उसके बाद जो है 3.2 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा लगा हुआ था और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें जो बैटरी है वो 3 से 4 घंटे तक आराम से चल जाती थी और प्रोजेक्टर के साथ। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा मोबाइल था और इसके साथ आपको एक चार्जर मिलता था, एक हेडफोन मिलता था, एक एक्सटर्नल मतलब स्पीकर मिलता था जो अलग से आप इसको कनेक्ट करके लगा सकते थे और एक मिलता था आपको स्टैंड इसको उसके ऊपर रखकर प्रोजेक्टर शेयर करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो स्पाइस का ये मोबाइल था काफ़ी प्रचलित हुआ था और काफ़ी दिन चला भी था। और उसके बाद बात कर लेते हैं बॉक्स क्यूएट नाम का मोबाइल था उसकी और इसके अंदर जो है 2.2 इंच की डिस्प्ले लगी हुई थी जो कि कीपैड के साथ था ये मोबाइल। और इसमें जो है 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था और काफ़ी सारे जो है और भी इसमें फंक्शन दिए गए हैं और 16 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और डुअल स्पीकर इसके अंदर थे, डबल स्पीकर, काफ़ी सारे फीचर अच्छे हैं। और इसकी कीमत जो थी वो मात्र 6,000 रुपये थी और इसके प्रोजेक्टर की जो साइज थी वो 25 इंच थी, मतलब दीवार के ऊपर ये 25 इंच तक प्रोजेक्ट करता था। और अब बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स A40 की जिसको कंपेयर किया था M9000 Spice से। तो जो माइक्रोमैक्स A40 है वो भी काफ़ी अच्छा मोबाइल रहा लेकिन इसका जो प्रोजेक्टर था वो काफ़ी छोटा था, मतलब
बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्टर था, और उसके बावजूद जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी उसकी थी, और हिसाब से जो है इसमें, और इसमें फीचर्स के मामले में म्यूजिक प्लेयर जो है इसमें एडवांस क्वालिटी का उस टाइम पर दिया गया था, एफएम रेडियो दिया गया, 2 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा था, और काफ़ी जो है जो ओएस वगैरह की जो एप्लीकेशन थी वो इसमें रन कर सकती थी, और 4 GB की जो है एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें लगा सकते थे, एक्सपेंड कर सकते थे, और 262 के कलर के साथ ये आया था मार्केट के अंदर, और इसकी कीमत उससे कम हो गई है, 3200 रुपये में, मतलब मार्केट में आया था 3200 रुपये में। आप देख लीजिए अब कैसा कैमरा आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इनकी छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन हमने बताई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है काफ़ी समय पहले ही आ चुके हैं, लेकिन जो आगे आने वाले मोबाइल हैं वो इससे भी एडवांस होंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन वो आपको प्रोजेक्ट करके दे देंगे, तो स्क्रीन है वो पूरी दीवार के ऊपर आप देख पाएंगे, वो भी फुल HD, QHD, जो है HD वगैरह आ रही है मार्केट के अंदर, उसके अंदर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।